Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए 8 बिलियन की लागत से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV प्रोजेक्ट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद इस प्रोजेक्ट को आगे प्रोपेल किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये प्रोजेक्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 के मेक टू कैटेगरी में रखा गया था, जिसके अंतर्गत कुछ डिसीजन में कमी को लेके ये प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता गया। और इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये चाहती थी कि जो भी इसमें कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है वो तकरीबन 90% अपने फंड्स इसमें इन्वेस्ट करें इसके प्रोटोटाइप को डेवलप करने में। लेकिन इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बीच में एक लैक ऑफ कमिटमेंट था, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट और डिले हुआ। लेकिन कुछ ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो इन सभी कारणों को सॉल्व कर लिया गया है और जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उस ड्यूरेशन में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 40% इंडिजिनस कंटेंट लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से जो मुख्य कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हैं टीटागढ़ वैगन, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने प्रपोजल्स भेजे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि पोटेंशियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में रशियन कंपनी रोजोबोन एक्सपोर्ट को भी कंसीडर किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होती है कि इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे प्रोपेल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे मेक टू कैटेगरी में रखा गया है, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें किसी भी तरह की कोई भी फंडिंग इन्वेस्ट नहीं करती है। अगर ये प्रोजेक्ट मेक थ्री कैटेगरी में होता तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तकरीबन 90% फंडिंग इन्वेस्ट करती वही प्रोटोटाइप स्टेज में। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरी डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के नए प्रपोजल को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इंडियन आर्मी के ही एयर डिफेंस आर्टिलरी सेक्शन के डायरेक्टरेट जनरल, उनका मानना यह है कि इंडियन आर्मी को एक अपना ही देसी BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि माउंटेनियस ट्रेन में कारगर हो। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडियन आर्मी तकरीबन 150 BM-21 जो कि एक 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसे हमने रशिया से प्रोक्योर किया था। और ये एक 6x6 व्हील ट्रैक पे माउंटेड है, लेकिन इसकी मात्रा कम होने की वजह से और इस तरह के वेपन का माउंटेनियस ट्रेन में जो सक्सेस रेट है उसके ज्यादा होने की वजह से इंडियन आर्मी चाहती है कि इस तरह के वेपन इंडियन आर्मी के पास और भी आए, और जिसके लिए वो चाहते हैं कि ऐसा इंडिया में इंडिजिनस डेवलप किया जाए। जैसा कि आपको बता दूं, अभी इंडियन आर्मी के पास दो मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, वो है पिनाका और स्मर्ज मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। लेकिन इन दोनों के साथ दिक्कतें ये हैं कि ये बड़े रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो कि तकरीबन 8x8 और 10x10 रेस्पेक्टिवली व्हीकल्स पे डिप्लॉयड हैं, जिसकी वजह से इसके साइज में बड़ा होने की वजह से इसे माउंटेनियस रोड्स पे जो कि काफ़ी क्लोज्ड पैक होते हैं, तो उन रोड्स पे इस तरह के वेपन्स को मोबिलाइज करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है, और जिसकी वजह से ये वेपन माउंटेनियस ट्रेन में उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंडियन आर्मी चाहती है कि एक ऐसा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि किसी भी 4x4 व्हीकल पे डिप्लॉय किया जाए और जिसकी रेंज 25 किलोमीटर हो और जो अपने साथ कम से कम 24 रॉकेट लॉन्चर ले जाने में सक्षम हो और जिसके पास तकरीबन 360 डिग्री डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी हो। तो इस तरह का कोई मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम डेवलप करने की मांग कर रही है इंडियन आर्मी। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के तीसरे डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं DRDO के कावेरी इंजन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि कावेरी इंजन पे क्या अपडेट है, और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कावेरी इंजन की प्रॉब्लम्स क्या थी, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुके हैं। तो आप चाहे तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो उसमें हमने कावेरी इंजन में आ रहे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसे डिस्कस किया था, और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी उसे भी डिस्कस किया था। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑफसेट डील के अंतर्गत फ्रेंच कंपनी साफरान से एक डील की गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली गई थी लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स है वैसे की वैसी ही हैं, और जिसका नतीजा ये है कि ये कावेरी इंजन एक लिमिटेड थ्रस्ट के लिए ही ऑपरेशन हो पा रहा है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्रियल सोर्सेज की माने तो जो कावेरी इंजन का डिप्लॉयमेंट है किसी भी फाइटर जेट के लिए वो इस थ्रस्ट रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं होने जा रहा है, और जिसका मतलब ये है इसके जो रिकवर करने की पॉसिबिलिटी है वो और नैरो होती जा रही है। और शायद कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए ही DRDO ने ऐसा अनाउंस किया था कि वो इंडिया के फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जितने भी होंगे उनके पोस्ट प्रोडक्शन फेज के बाद जो भी इंजन लगाए जाएंगे उन इंजन के लिए
एक RFI रिलीज किया गया था एयर इंडिया शो के दौरान, और उस RFI के अंतर्गत प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत एक नया इंजन डेवलप किया जाना था, और जिसके लिए वो RFI रिलीज किया गया था, और जिसको लेके ऐसी खबरें आ रही हैं कि जुलाई अगस्त के बाद इस RFI के जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे, जितने भी रिस्पॉन्स मिलेंगे DRDO को कि कौन कौन सी विश्व की इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो उन सभी को लेकर DRDO ये प्लान करेगी कि इस इंजन को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए, क्योंकि अब DRDO को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कावेरी इंजन को देखते हुए। उन्होंने जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स की थी, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर ऐसा इंजन डेवलप करते हो तो आप उन मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं अवॉइड कर पाओगे। आशा करते हैं कि इस RFI का रिस्पॉन्स जल्द से जल्द आए और एक रोबस्ट और पावरफुल इंजन डेवलप करने में इंडिया कामयाब हो। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।